इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी की। किरण तिवारी ने जो है कमलेश तिवारी की हत्या के बाद जो है अपने पति का पद जो है वो संभाल लिया है। हिंदू समाज पार्टी के प्रमुख रहे कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी जो हैं वो जो SIT की जांच चल रही है उससे बिल्कुल भी जो है वो संतुष्ट नहीं है। कमलेश की पत्नी ने कहा कि हथियारों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कानून में उनके लिए सजा नहीं है तो उनको फिर हमारे हवाले कर दो, फिर हम खुद ही सोच लेंगे कि उनको क्या सजा देनी है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है योगी सरकार से जो है वो नाराज़ नजर आई किरण तिवारी। काफ़ी तीखे हमले जो हैं उन्होंने जो है वो योगी सरकार पे किए। किरण तिवारी की शिकायत ये भी थी कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो योगी आदित्यनाथ स्वयं जाके जो है वो परिवार से मिलते हैं, लेकिन किरण तिवारी ने कहा कि कमलेश तिवारी के यहाँ जो है योगी आदित्यनाथ खुद नहीं आए। किरण तिवारी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई मुस्लिम या किसी आतंकी की मौत होती योगी आदित्यनाथ जो है उसके घर ज़रूर चले आते, लेकिन आज हिंदू नेता की मौत हुई है तो योगी आदित्यनाथ जो है वो उसके घर नहीं आए हैं। किरण तिवारी ने यह भी कहा कि जितने सपने उनके पति कमलेश तिवारी के थे अब उन सपनों को वो पूरा करेंगी। कमलेश तिवारी चाहते थे कि एक हिंदू राष्ट्र बने तो वो हिंदुस्तान को जो है वो हिंदू राष्ट्र जो है बनाएंगी, हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगी। कमलेश तिवारी की पत्नी ने यहाँ तक कहा कि सरकार ने जो है उनको मुआवजा दिया है 15 लाख रुपये का। 15 लाख रुपए का मुआवजा जो है उनको चुप कराने के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि कमलेश तिवारी को किसी की हैसियत नहीं थी कि वो कमलेश तिवारी को ख़रीद या बेच सकें। 15 लाख रुपए जो हैं हमारे लिए कुछ नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर भविष्य में कभी किसी आतंकी हमले में किसी भाजपा नेता की मौत होती है तो वो इन 15 लाख में 15 लाख रुपए अपनी तरफ से जोड़कर 30 लाख रुपए देंगे। जी हाँ, 30 लाख रुपए मैं दूंगी, कमलेश तिवारी की पत्नी ने कहा, अगर भविष्य में किसी भी भाजपा नेता की किसी आतंकी हमले में मौत होती है। ये बड़ी बात जो है कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। जो ठीक है हमले किए हैं किरण तिवारी ने, देखना है कि योगी सरकार के पास उसका क्या जवाब रहता है। हर अपडेट के लिए आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। फिर किसी और न्यूज के साथ होंगे आपके साथ मौजूद। कमिंग स्पोर्ट्स में आप जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस मामले में क्या निष्पक्ष जांच नहीं हुई है, क्या NIA जांच की जरूरत है।